देखिए, आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है करेंट इन कंडक्टर, सबसे पहले टॉपिक। लेकिन कुछ बोलने से पहले सबसे पहले हम आपको ये बताते कि जो वीडियोज होगी थोड़ी लंबी होगी, थोड़ी ज़्यादा डिटेलिंग्स होगी। ठीक है, बहुत लोगों ने बोला कि सर शॉर्ट वीडियोज बनाए कीजिए। देखिए, हम चाहते हैं कि जो भी यहाँ से नॉलेज आपको गेन हो, पूरी हर स्टूडेंट को बाहर से उस यहाँ से पढ़ने के बाद बाहर से उसको कोई ज़रूरत ना पड़े, इसलिए सारा डिटेलिंग्स होगी, लंबी वीडियोज होंगी, लंबे चैप्टर्स चल सकते हैं। लेकिन आपको लास्ट तक वीडियो देखने के बाद कुछ ना कुछ गेन करके जाइएगा, और मुझे बिलीव है कि आप बोर्ड में ही नहीं कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आपका परफॉर्मेंस बेहतर होगा, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल लिटी के साथ हम स्टडी करेंगे, कॉन्सेप्ट मोर इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो लेट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है करेंट इन कंडक्टर एंड इलेक्ट्रोलाइटिक्स। तो हमको पता है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करेंट। वी हैव ऑलरेडी सीन दैट, हमने पहले भी ये चीज बताया हुआ है कि चार्ज मूव करता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ, तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है। यहाँ पे चार्ज कुछ और है, यहाँ पे चार्ज, यहाँ से अगर यहाँ चार्ज होगा तो यहाँ पोटेंशियल कुछ और है, तो यहाँ पोटेंशियल कुछ और होगा। दो पॉइंट पे डिफरेंट डिफरेंट पोटेंशियल होते हैं। तो इस अगर जितना चार्ज ट्रेवल किया विथ हेल्प ऑफ कंडक्टर, ठीक है, तो दोनों एंड पे पोटेंशियल अलग होगा, और जितना दूर ट्रेवल किया इन्हीं के बीच के डिफरेंसेस, जो पोटेंशियल के बीच के डिफरेंसेस निकालते हैं वही होता है पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, सबसे पहले ये समझ लें। तो किसी भी चीज में कोई भी अगर करंट फ्लो कर रहा है किसी भी कंडक्टर में, तो फिक्स है कि पोटेंशियल डिफरेंस होगा ही। ठीक है, आपने पिछले चैप्टर में सेल या बैटरी के बारे में पढ़ा होगा। तो एक बात बताइए कि जब हम किसी भी वायर को कनेक्ट करते हैं किसी सेल के साथ, तो एक तरफ पॉजिटिव टर्मिनल होता है, दूसरी तरफ निगेटिव टर्मिनल होता है। जो पोटेंशियल पॉजिटिव टर्मिनल होता है वहां पे जो पोटेंशियल है वो बहुत ज्यादा होता है, और निगेटिव टर्मिनल पे पोटेंशियल कम होता है। क्लियर है? तो ये डिफरेंस पोटेंशियल होते हैं। लेकिन उस बैटरी के अंदर, जो इस सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बिल्कुल फ्री होते हैं मूव करने के लिए। ठीक है, जैसे ही उसको कनेक्ट करते हैं किसी वायर के साथ, उसको उसके सर्किट को पूरा करते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव करने लगते हैं। अगर इस फिगर में देखा जाए तो जब तक उसको कनेक्ट नहीं किए हैं किसी वायर के साथ बैटरी सेल को, तो उसमें जो पॉजिटिव आयंस है और निगेटिव आयंस है, यानी कि जो प्रोटॉन्स है यो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, उसका डायरेक्शन जो है वो डिसाइडेड नहीं है, किसी भी डायरेक्शन में वो फ्रीली मूव कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही उसको हम कनेक्ट कर रहे हैं, जैसे ही सर्किट पूरा हो रहा है, तो जो निगेटिव आयन से वो पॉजिटिव आयन की तरफ मूव करने लग शुरू हो जा रहे हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पॉजिटिव की तरफ मूव करते हैं ना, लेकिन जो करंट है इलेक्ट्रिक करंट वो पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ मूव करता है, ये पहले भी हमने देखा हुआ है। ठीक है, तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। जो मेन टॉपिक आता है इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस होता क्या है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस? तो हमने शुरुआत में ही बताया था कि दुनिया में कोई ऐसा कंडक्टर नहीं है जिसमें रेसिस्टेंस ना हो। रेसिस्टेंस का मतलब है प्रतिरोध, यानी कि उसमें जो चार्ज फ्लो होता है वो फ्लो होने से उसको रोकता है। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं रेसिस्टेंस। तो ये रेसिस्टेंस है वो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक तो जो कंडक्टर है वो मेटल पे डिपेंड करता है, यानी कि रेसिस्टेंस पहले पॉइंट है मेटल पे डिपेंड करता है। सेकेंड, उसके क्रॉस सेक्शन एरिया पर डिपेंड करता है। थर्ड, उसके लेंथ पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो चलिए इसी में के बारे में समझते हैं कि क्या
कैसे कैसे वो डिपेंड करता है। अगर इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस, ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस, क्लियर है, दिखाई दे रहा है आपको? तो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस, तो सबसे बड़ी बात होता है कि जो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस है वो जितने सारे कंडक्टर है, जितने सारे सब्सटेंसेज है जिसमें चार्ज का फ्लो होता है, इस सबका एक अपना खुद का रेसिस्टिविटी होता है, ठीक है, जो कांस्टेंट होता है, वो डायरेक्टली मेटल पे डिपेंड करता है। लेकिन जो रेसिस्टेंस है सबसे पहले लेंथ पे डिपेंड करता है, लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेसिस्टेंस, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेसिस्टेंस। तो जितना लंबा वायर होगा उतना ज्यादा रेसिस्टेंस होगा उसमें, और जितना छोटा वायर होगा उसमें उतना ही कम रेसिस्टेंस होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन अगर उसकी क्रॉस सेक्शन एरिया देखते हैं, थिकनेस के बारे में अगर बात करते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा रेसिस्टेंस का। ओके, समझते हैं, मान लीजिए एक ये वायर है सपोज, तो ये जो पोर्शन हो गया इसका, ये थिकनेस जो हो गया, ये क्रॉस सेक्शन एरिया होगा। तो जितना ही ज्यादा मोटा वायर होगा, थिक वायर होगा, उतना ही ज्यादा कम रेसिस्टेंस होगा। इसीलिए घरों में बोला जाता है कि अच्छे क्वालिटी का वायर यूज करें। अच्छे क्वालिटी का वायर यूज करने से क्या होगा, ये तो वो उसकी मेटल अगर अच्छी रहेगी तो जितनी बेहतर मेटल होता है, लाइक सबसे ज्यादा सॉरी सबसे अच्छा कंडक्टर कौन सा होता है, सिल्वर। क्यों अच्छा माना जाता है, उसके अच्छा मानने का मेन रीजन ये है कि उसमें रेसिस्टिविटी बहुत कम होती है। रेसिस्टिविटी जिस मेटल में कम होगी वहां पे जो है इलेक्ट्रिसिटी कम खपत होगा, ठीक है, प्रतिरोध कम करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी कम खपत होगा, क्लियर है, पहली पॉइंट। इसीलिए उसके बाद आ जाते हैं अपने पास कॉपर, जो इजीली अवेलेबल है, सिल्वर का बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जाएगा। तो हम अपने घरों में कौन सा वायर यूज करते हैं, कॉपर, तो कॉपर की भी रेसिस्टिविटी बहुत कम होती है। पॉइंट ये है कि उसका क्रॉस सेक्शन एरिया, यानी पतला वायर ना यूज करके मोटा वायर यूज करें, जितना ही क्रॉस सेक्शन एरिया होगा उतना ही रेसिस्टेंस कम होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो इसी के बारे में डिस्कस करेंगे, रेसिस्टेंस के बारे में। ओके, रेसिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है, समझते हैं, एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस का एसआई यूनिट जो है ओम होता है, ओम इसलिए डिनोट किया जाता है, ये एक ग्रीक सिंबल है, ठीक है, ओम एक ग्रीक सिंबल है, ये ओम्स के नाम पे ही इसका एसआई यूनिट ओम दिया गया है। तो एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस की अगर बात करते हैं तो क्या होगा, ओम। इसका सिंबल कुछ इस तरह से होता है, ठीक है, ये ग्रीक सिंबल है, ये हो गया ओम, क्लियर। तो इसमें अलग अलग अगर रेसिस्टेंस की बात करते हैं तो इसमें किलो ओम्स भी हो सकता है, मेगा ओम्स भी हो सकता है, गेगा ओम्स भी हो सकता है, अलग अलग यूनिट्स आप ले सकते हैं, ठीक है। किलो अगर आप लिखना चाहे तो देख भी लीजिए, किलो ओम्स। रेसिस्टिविटी क्या होता है, ठीक है, ये तो हमने रेसिस्टेंस समझा, डिफरेंसेस क्या है, रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी में क्या डिफरेंस है, ये तो रेसिस्टेंस हो गया, ठीक है, रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी में डिफरेंस क्या है, कैसे क्या डिफरेंस है एक रेसिस्टेंस में और रेसिस्टिविटी में। एक्चुअली रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी में डिफरेंसेज यही है कि किसी भी मेटल का एक कॉन्स्टेंट रेसिस्टिविटी होता है, फिक्स है कि इस मेटल में इतना ही होगा,
तो पर यूनिट लेंथ में जितना रेसिस्टिविटी है वही उसका एक रेसिस्टिविटी मान लिया गया। तो मान लीजिए इसीलिए क्या हो गया है, जब हम टोटल कैलकुलेट करते हैं एक कंडक्टर में कि इतना रेसिस्टेंस हो गया, तो वही आता है कि लेंथ जैसे बढ़ा रहे हैं, हम लेंथ बढ़ाते जा रहे हैं तो वो मल्टीप्लाई होता जा रहा है, इंटरग्रल मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, समझ आ रही बातें। तो रेसिस्टिविटी को अगर हम देखा जाए, चलिए हम लोग बात कर रहे थे इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस का। द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, इट इज डिनोटेड बाय जी। ये क्या होता है, ठीक है, इसको किससे डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय जी, ओके, डिनोटेड बाय जी। ये क्या होता है, ठीक है, इट इज मेजर टू इज विथ विच आर चार्ज कैन फ्लो इन कंडक्टर, कंडक्टर में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है वो इस चीज से डिनोट करते हैं। तो जी इज इक्वल टू होता है आपके पास 1 बाई आर, ठीक है। आर यहां पे क्या है, रेसिस्टेंस है, ठीक है, आर क्या है यहां पे, रेसिस्टेंस है, जी क्या होता है, कंडक्टेंस। तो ये हो गया और ये हो गया रेसिस्टेंस, क्लियर है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होता है, द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी इज कॉल्ड द कंडक्टिविटी, रेसिस्टिविटी का जो रेसिप्रोकल होता है वही कंडक्टिविटी होता है, ठीक है। इसको डिनोट कर रहे हैं डिनोटेड बाई सिग्मा बोल सकते हैं इसको, दिस सिंबल, ठीक है। तो अगर बात कर रहे हैं तो यहां पे एक नई पॉइंट आ रही है कि रेसिस्टिविटी, तो रेसिस्टिविटी क्या होता है, आपको पहले जिक्र किया कि रेसिस्टिविटी क्या होता है, तो रेसिस्टिविटी का जो सिंबल होता है, रेसिस्टिविटी को अगर हम रेसिस्टिविटी की बात कर रहे हैं, ठीक है, रेसिस्टिविटी का जो सिंबल होता है क्या बोल सकते हैं, रो। तो रेसिस्टिविटी का जो सिंबल होता है इसको रो से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो रो यानी कि जो कंडक्टिविटी होता है, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1 बाई रेसिस्टिविटी, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1 बाई रेसिस्टिविटी। तो अगर इसकी एसआई यूनिट की बात करते हैं, ठीक है, अगर इसकी एसआई यूनिट की बात करते हैं तो क्या होगा, 1 बाई, ठीक है, तो इसके एसआई यूनिट होती सीमेन, लिख लीजिए सीमेन पर मीटर, ये एसआई यूनिट हम दे देते हैं इसका। नेक्स्ट पॉइंट है सुपर कंडक्टर, ठीक है। तो हमने पहले बताया कि दुनिया में ऐसे कोई भी सब्सटेंसेस नहीं है जिसमें रेसिस्टिविटी बिल्कुल ही नहीं हो, ठीक है। तो अगर बाय द वे किसी में रेसिस्टिविटी बहुत कम होता है तो वो सुपर कंडक्टर कहा जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें सुपर कंडक्टर कौन सा कंडक्टर है जिसमें जितना एनर्जी आ रहा है उतना ही निकल भी रह रहा है, यानी वो जो है रोक नहीं रहा है, जितना चार्ज आ रहा है उतना ही फ्लो हो जा रहा है, ठीक है। कंडक्टर इस हैविट ए फिनोमिना नॉन एज द सुपर कंडक्टर एट ए वेरी लो टेम्परेचर, नॉन एज द क्रिटिकल टेम्परेचर। जो कंडक्टर जो होता है उसका नेचर टेम्परेचर पे भी डिसाइड होता है, जितना ही ज्यादा टेम्परेचर होगा, हाई टेम्परेचर होगा, उसमें रेसिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा, रेसिस्टिविटी बढ़ जाती है, और जितना ही लो टेम्परेचर होगा उसमें रेसिस्टिविटी कम होती चली जाएगी। बात समझ में आ रहा है। तो यही कारण है, ये नए एक्सपेरिमेंट में सामने आया है कि अगर किसी भी मेटल को
बिल्कुल लो टेम्परेचर पर लेके चले जाते हैं तो वो सुपर कंडक्टर का काम करने लगता है। ठीक है, वहां पे जो रेसिस्टेंस हो जाता है वो जीरो हो जाता है। ठीक है, तो ये इस टाइप के कंडक्टर जो होंगे सुपर कंडक्टर कहलाएंगे। तो अगर बात करते हैं फैक्टर इफेक्टिंग रेसिस्टेंस कि क्या होगा, पहला तो रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड अपॉन नेचर, पहले हम बता चुके हैं। दूसरा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, ठीक है, और तीसरा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। अगर और आगे बढ़ते हैं इसको सॉल्व करते हैं कि रेसिस्टेंस इक्वल टू होगा क्या, अगर आखिर में रेसिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, ये तो थोड़े थ्योरम थे हम जो समझ लिए, रेसिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा आर। ठीक है, तो आर इक्वल टू क्या होगा, सबसे बड़ी बात है कि रेसिस्टिविटी। ठीक है, ये तो होगा ही, किसी भी कंडक्टर में अगर चार्ज का फ्लो कर रहे हैं तो उसका रेसिस्टिविटी। दूसरी पॉइंट है उसके लेंथ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, और क्रॉस सेक्शन एरिया का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना, क्लियर है। तो ये इसे बोल सकते हैं, तो आर इज इक्वल टू इनटू लेंथ बाई एरिया। तो रेसिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, रेसिस्टिविटी इनटू लेंथ ऑफ कंडक्टर बाई क्रॉस सेक्शन एरिया। समझ में आ रहा है, तो इसको जो रेसिस्टिविटी है उसको स्पेसिफिक रेसिस्टेंस भी बोल सकते हैं या रेसिस्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम रो से डिनोट करते हैं। तो कोई भी मान हम लोग दूसरा फॉर्म निकालते हैं तो रेसिस्टिविटी इक्वल टू क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं रेसिस्टिविटी का, तो रेसिस्टेंस ऐसा ऐसा यूनिट क्या होता है, ओम होता है ना। तो ओम अगर होता है, यहां से अगर हम इसकी एसआई यूनिट के बारे में बात करते हैं, रेसिस्टिविटी की एसआई यूनिट के बारे में बात करते हैं, तो निकाल के देखो ओम, और एरिया का मीटर स्क्वायर, ठीक है, और लेंथ का मीटर, क्लियर है। तो क्या हो गया, ओम मीटर। ठीक है, क्या हो गया, ओम मीटर। ठीक है, द लेंथ ऑफ द कॉपर, ध्यान दीजिए, द लेंथ ऑफ द कॉपर इज वायर 100 मीटर एंड इट्स रेडियस इज 10 mm, सॉरी 1 mm। कैलकुलेट इज द रेसिस्टेंस ऑफ रेसिस्टिविटी ऑफ कॉपर इज 1.72 × 10⁻¹⁸ ohm मीटर। तो यहां पे क्या दिया है, लेंथ ऑफ द वायर दिया है, ध्यान दीजिए लेंथ ऑफ द वायर दिया है, लेंथ ऑफ वायर पॉली पॉइंट। ठीक है, कितना है, एल इक्वल टू अगर मान लेते हैं तो दिया है 100 मीटर। ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया हमें नहीं पता है, रेडियस दिया है 1 mm, रेडियस क्या है 1 mm। ठीक है, और रेसिस्टिविटी हमें दिया है, रेसिस्टिविटी अगर रेसिस्टिविटी दिया है तो कितना दिया है ऑफ कॉपर है ना, तो रेसिस्टिविटी हमें दिया है, क्या है रेसिस्टिविटी, 1.72 × 10⁸। क्लियर है, ओम मीटर। ये क्वेश्चन है हमारे पास, हमें क्या फाइंड करना है, कैलकुलेट द रेसिस्टेंस ऑफ इट, जो भी हो, कैलकुलेट इस रेसिस्टेंस। तो रेसिस्टेंस फाइंड करना है, तो रेसिस्टेंस फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें क्रॉस सेक्शन एरिया निकालना होगा। ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अगर एरिया हम निकालते हैं तो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, यही होगा पाई आर स्क्वायर, क्योंकि जो भी हम वायर लेते हैं उसको सर्कुलर फॉर्म में हम लेके देखेंगे। ये नहीं बोलना कि सर वायर हम अगर बाय द वे स्क्वायर बना दिए तो, नहीं,
क्योंकि हम यहाँ पे जो इमेजिनेशन किया, अगर बाय द वे वायर जो है स्क्वायर है आपके हिसाब से, तो वहाँ पे वो गिवेन होगा। अगर कुछ नहीं गिवेन है तो इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया लेंगे, और ये कैसा है, सर्कुलर है, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे ये मीटर में है, ये मीटर में है, ठीक है, तो इसको भी मीटर में रखेंगे। 1 mm तो किस में रखेंगे, मीटर में रखेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं, क्लियर है ना। तो ये कितना होगा, इसको mm में 3.14, ठीक है, आर का वैल्यू स्क्वायर होगा, यानी 3.14 × 10⁻⁶ m² ये आया हुआ है रेडियस। क्लियर है, समझ में आ रही बातें। तो रेसिस्टेंस का फॉर्म हम यहां लगाएंगे, फॉर्मूला रो एल बाई ए, ठीक है, रो का वैल्यू हमें पता है कितना है, 1.72 × 10⁸, और एल का वैल्यू हमें पता ही है, और एरिया तो हमें मिल गया यहां से, क्लियर, ओके। अगर इसको देखा जाए तो ये अपना सॉल्व है, क्या आया, 1.72 × 3.14, ये आ गया। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आना चाहिए, 0.55 ओम रेसिस्टेंस हमारा निकल गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, चलिए ध्यान दीजिए। द रेसिस्टेंस ऑफ 1 meter ऑफ नाइक्रोम वायर इज 6 ohm, कैलकुलेट द रेसिस्टेंस ऑफ इट्स लेंथ इज 17 cm। तो नाइक्रोम वायर जो है 1 meter का है, ठीक है, बोला है द रेसिस्टेंस ऑफ नाइक्रोम वायर इज 6 ohm, 1 meter नाइक्रोम वायर का जो रेसिस्टेंस है वो 6 ohm है, ठीक है। तो 70 cm नाइक्रोम वायर का रेसिस्टेंस कितना होगा, सिंपली है, ठीक है, लेंथ ऑफ नाइक्रोम वायर कितना दिया हुआ है, 1 meter या 100 cm, बोल सकते हो 1 meter, ओके। सेकेंड रेसिस्टेंस दिया हुआ है कितना है, 6 ohm, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहां पे फाइंड आउट करेंगे, ये तो दो तरीका से निकाल सकते हैं, कि अगर मान लेते हैं इसकी जो रेसिस्टेंस है वो क्या हुआ, रो एल ई, ठीक है, पॉली पॉइंट, या अगर मेटल सेम है तो उसका रेसिस्टिविटी कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है, और सेम मेटल है तो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी चेंज नहीं होगा। अगर ये वायर है, ठीक है, तो ये छोटा वायर हो या ये ही इसको ये बड़ा वायर हो, कट पीस हो या ये बड़ा वायर हो, तो ये एरिया तो चेंज नहीं होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया भी चेंज नहीं होगा, और एक मेटल का जो रेसिस्टिविटी है वो चेंज नहीं होता है, वो तो कॉन्स्टेंट होता है ना। तो मान लेते हैं R1 = ρL1/A, अगर R2 की वैल्यू फाइन करेंगे, अगर दूसरी वाली रहती तो क्या होता, जिसका लेंथ जो है L1, अगर हम इसको मान लेते हैं तो L2 = 70 cm है ना, तो इसके हिसाब से क्या होगा, ρL2/A। तो दोनों रेसिस्टेंस अलग अलग आए आए। अगर हम देखते हैं बाय द वे R1/R2 क्या होगा, ρL/A / ρL2/A, तो हमारे पास L1/L2 आ गया, क्लियर है। तो पहले का रेसिस्टेंस तो हमें पता है कितना है, पहले का 6 ohm, दूसरे का रेसिस्टेंस नहीं पता है, पहले का जो लेंथ है वो 100 है, दूसरे का 70 है। तो यहां से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो R2 का वैल्यू आ जाएगा, कितना आएगा, 4.2 ohm, क्लियर है। तो इस तरह से फाइंड आउट कर देंगे हम। इस तरह की और भी क्वेश्चंस लेते हैं, मेनली जो फिजिक्स में है बच्चों को थ्योरी को पढ़ लेते हैं, ठीक है, लेकिन न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम आ जाता है,
और न्यूमेरिकल्स का प्रॉब्लम सॉल्व करने का सबसे सिंपल सा तरीका है, आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, कॉन्सेप्ट माइंड में रखो और इजिली सॉल्व हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं, ठीक है, आराम से पढ़ो बिना टेंशन लिए, इजिली सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए आते हैं पॉइंट पे, नेक्स्ट क्वेश्चन की। टू वायर मेड ऑफ द जर्बन सिल्वर आर टेकन सच दैट द लेंथ एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेकेंड वायर ट्वाइस एंड द ट्राइस रिस्पेक्टिवली दोज ऑफ द फर्स्ट वायर। इफ द रेसिस्टेंस ऑफ द सेकेंड वायर इज 12 ओम, फाइंड द रेसिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट वायर। ओके, बोला है टू वायर है, ठीक है, जर्मन सिल्वर से बना हुआ है, लेंथ एंड एरिया क्रॉस सेक्शन जो है सेकेंड वायर का जो है दोगुना है, अगर लेंथ देखा जाए तो दोगुना है और एरिया देखा जाए तो तीन गुना है, और इसका हमें सेकेंड वायर का हमें दिया हुआ है रेसिस्टेंस जो है 12 ओम है, तो फर्स्ट वायर का हमें फाइंड करना है। क्लियर है बात? तो चलिए आते हैं पॉइंट पे। तो यहां पे जो फर्स्ट वाला है उसको L1 मान लेते हैं, ठीक है, एरिया को भी A1 मान लेते हैं, ओके, रेसिस्टेंस को भी R1 मान लेते हैं, तीनों ये फर्स्ट वायर का हो गया, ठीक है। तो अगर R1 इक्वल टू देखा जाए तो क्या होगा, ये होगा, क्लियर है, रो एल बाई ए, लेकिन कंडीशन सेकेंड क्या बोल रहा है, ये तो फर्स्ट केस हो गया, केस वन, ठीक है, सेकेंड केस में क्या बोल रहा है, सेकेंड केस में आपको बोल रहा है कि जो लेंथ है वो दोगुना है, जो लेंथ है वो क्या है, दोगुना है, ठीक है, जो एरिया है वो तीन गुना है, क्लियर है, और जो रेसिस्टेंस है वो है 12 ओम। तो इसी हिसाब से अगर देखा जाए तो R2 इक्वल टू क्या होगा, R2 यहां से निकाल लेंगे तभी तो पता चलेगा क्या होगा, रो L2 बाई A2, क्लियर है। तो चलिए ध्यान दीजिए, तो ये तो 12 है, 12 इक्वल टू दिस, L2 का वैल्यू हमें पता है 2L1, ठीक है, A2 का 3A1। तो अगर यहां से देखा जाए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 36, और ये इधर लेके आ बचा 2, और इसको कॉमन ले लीजिए, ओके, क्लियर हो गया। तो R1 का जो वैल्यू है वो कितना आया है, अगर R1 की वैल्यू को देखा जाए तो ये आया है कि नहीं आया है, तो इस वैल्यू को हम यहां पुट करते हैं, तो लिख सकते हैं कि 2R1, तो यहां से ये कट गया, क्लियर है, तो R1 इक्वल टू कितना आ गया, 18 ओम, R2 इक्वल टू 12 ओम, R1 इक्वल टू 18 ओम, सॉल्व हो गया, कोई डाउट ही नहीं था। देखिए इसके बाद हम आते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेसिस्टेंस, ठीक है, टेम्परेचर के कारण रेसिस्टेंस पे क्या प्रभाव पड़ता है, सबसे पहले ये समझते हैं क्या इफेक्ट पड़ता है, ये देखते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और रेसिस्टेंस, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है रेसिस्टेंस के ऊपर, आपको पहले भी बताएं कि जैसे ही टेम्परेचर अप होता है रेसिस्टेंस बढ़ जाता है, जनरल मेटल में जो कंडक्टर होते हैं डाउन होता है, टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो रेसिस्टेंस भी डिक्रीज हो जाता है, लेकिन अलाव के साथ ऐसा नहीं होता है, अलाव जो होता है
उसमें बहुत माइनर, बहुत लिटिल सा फर्क पड़ता है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो बहुत लिटिल फर्क पड़ता है उसका रेसिस्टेंस को इंक्रीज होने का। यही एक कारण है कि जो एलॉयस होता है लाइक ए मैंगनीम, कॉन्स्टेंटन, इस तरह की जो मटेरियल्स होते हैं उसका हम यूज जो करते हैं वो स्टैंडर्ड क्वालिटी के रेसिस्टेंस बनाने के लिए करते हैं। ठीक है, आपने सुना होगा कि जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट होते हैं उसमें रेसिस्टेंस लगा रहता है, तो वो रेसिस्टेंस का मेनली काम क्या होता है कि वो उतना ही करेंट देते और जो ज़्यादा करेंट आ रहा है वो खुद को ऑब्जर्व कर ले, वो रोकने का काम करता है। तो उन वो जो रेसिस्टेंस बनता है उसमें मेन एलॉ का यूज होता है। ठीक है, दूसरी तरफ से उसको सेमी कंडक्टर बोल सकते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा रेसिस्टेंस होता है, वो तो गुड कंडक्टर हो नहीं सकता, इसलिए उसको सेमी कंडक्टर बोल सकते हैं। तो सेमी कंडक्टर में बहुत तरह की चीज़ें आती है, जर्मेनियम, सिलिकॉन, ये सारे सेमी कंडक्टर हैं। ठीक है, दूसरी तरफ से आते हैं बैड कंडक्टर जो इंसुलेटर काम करते हैं जिसमें बिल्कुल चार्ज का फ्लो नहीं होता है, लाइक ए ग्लास होता है लेकिन बहुत लिटिल मात्रा में, हल्का। ठीक है, उतना भी नहीं बोल सकते, अगर बिल्कुल प्योर है तो इंसुलेटर है, लाइक ए ग्लास, प्योर वाटर, है ना। तो ये सब चीज़ें जो है वो इंसुलेटर का काम करते हैं, इंसुलेटर को बैड कंडक्टर भी बोल सकते हैं। इन चीज़ों में जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है जो बैड कंडक्टर है, ठीक है, वहाँ पे रेसिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है, उल्टा प्रभाव पड़ता है, समझ रहे बात। जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज हुआ रेसिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है, ये बैड कंडक्टर का पे इसका जो इफेक्ट है वो उल्टा हो जाता है। और भी इम्प्रूटीज का क्या इफेक्ट है रेसिस्टेंस के ऊपर, ये समझते हैं। रेसिस्टेंस ऑन कंडक्टर इंक्रीज विथ एडिशन ऑफ इम्प्रूटीज। अगर मान लीजिए कोई आप प्योर कॉपर है उसमें अल्मोनियम मिक्स करेंगे तो रेसिस्टेंस का तो प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि एक तरफ अल्मोनियम का रेसिस्टिविटी अलग है, कॉपर का रेसिस्टिविटी अलग है, दोनों को मिक्स करेंगे तो ना वो प्योर कॉपर की रेसिस्टिविटी रह पाएगी ना अल्मोनियम की रहेगी, उसका इफेक्ट उस तरह से भी पड़ सकता है। इसी तरह के इसी मिलावट इसी मिक्सअप के साथ हम सेमी कंडक्टर बनाते हैं। ठीक है, मान लीजिए एक पूरी तरह से अच्छा गुड क्वालिटी का कंडक्टर है, उसमें हम बैड कंडक्टर मिक्स करते हैं तो वो सेमी कंडक्टर बन जाता है। तो इस तरह से हम उसका इम्प्रूटीज के साथ मिक्स करके हम यूज भी ले सकते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक सर्किट की अगर बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक सर्किट का एक अपना, इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने के लिए एक अपना डायग्राम है जो हम यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, तो इस डायग्राम को आप नोट कर लेंगे, आप याद कर लेंगे, सिंपली है, कोई खास है नहीं कि कौन क्या क्या करना है। ठीक है, सेल हो गया, बैटरी हो गया, अल्टरनेटिंग करंट हो गया, प्लग की हो गया, स्विच हो गया, टैपिंग की हो गया, कंडक्टिंग वायर हो गया, एमीटर हो गया, ए वोल्ट मीटर हो गया, रेसिस्टेंस हो गया, वेरिएबल रेसिस्टेंस हो गया, गैलेनोमीटर, लोड, हीटर, बल्ब, ये सारे इलेक्ट्रॉनिक सिंबल हैं, इलेक्ट्रिकल जो सिंबल हैं, तो इनको आप थोड़ा ध्यान रख लेना। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ओम्स लॉ।